नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। लखनऊ में फास्टैग से पहले जहां 15 शहरों तक उड़ान की सेवा थी, आज 30 से ज्यादा शहरों के लिए फ्लाइट उपलब्ध है। सीएम योगी ने कहा कि विकास की गति को तेज करने में कनेक्टिविटी का बड़ा योगदान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेसवार्ता में कहा, देश में आज 4 लोगों की तानाशाही है। हम संसद में महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बहस करना चाहते हैं, लेकिन हमें गिरफ्तार कर दिया जाता है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में विस्तार से उत्तर दिया कि कोविड की समस्या के बावजूद भारत की आर्थिक व्यवस्था दुनिया के कई देशों की तुलना में बेहतर है। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैंसी पेलोसी के ताइवान दौरे ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। उनके इस दौरे ने चीन को तो आग बबूला कर दिया है। पेलोसी के दौरे के शुरू होते ही चीन ने ताइवान की खाड़ी में युद्धाभ्यास भी शुरू किया है। दिल्लीवासियों को महंगाई का एक और झटका लगा है। पाइप के जरिए लोगों की रसोई तक पहुंचने वाली पीएनसी की कीमत में आईजीएल ने बढ़ोतरी की। दिल्ली में पाइप रसोई गैस की कीमत 2.63 रुपए प्रति यूनिट बढ़ाई गई है। बॉक्स ऑफिस पर आमिर खान और अक्षय कुमार की भिड़ंत 11 अगस्त को होने वाली है। हालांकि सिनेमाघरों में रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा के क्लैश से पहले ही सोशल मीडिया पर दोनों फिल्मों के बीच जंग छिड़ गई। 3 साल पहले यानी 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला संविधान का अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। केंद्रीय मंत्री जोशी ने यह बात कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की एक टिप्पणी पर कही। राहुल गांधी ने आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि गांधी सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरी विचारधारा है। आपको बता दें कि पेटीएम पर न सिर्फ पेमेंट करने में बल्कि मोबाइल ऐप खोलने और इसकी वेबसाइट की भी सेवाएं ठप है। पेटीएम यूज करने पर यूजर्स का अकाउंट अपने आप लॉग आउट हो रहा है। आलिया भट्ट के लिए साल 2022 उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण साल है। इस साल उनकी शादी हुई, वह मां भी बनने वाली है और बतौर निर्माता उनकी पहली फिल्म डार्लिंग भी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जारी है। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक इन जिलों में जहां ज्यादातर इलाकों में तेज गर्जना के साथ कहीं कहीं भारी से बहुत अधिक बारिश की संभावना है। अब सभी विभागों, निगमों, आयोगों और बोर्डों हर महीने की 5 तारीख तक शासन को बताना होगा कि उन्होंने कितने लोगों को रोजगार मुहैया कराया है। इसमें नियमित भर्ती, आउटसोर्सिंग, संविदा स्वतः, रोजगार कौशल प्रशिक्षण, मानव दिवस, अप्रेंटिस और निजी क्षेत्र शामिल है। मध्य प्रदेश के रतलाम में गायों में लंपी वायरस के लक्षण मिलने से हड़कंप मच गई है। जिले में करीब 1 दर्जन से ज्यादा गायों में लंपी वायरस के लक्षण मिले हैं। नाइट क्लब में आग की घटना चोनुबरी प्रांत के सट्टाहिक जिले में हुई। या थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के दक्षिण पूर्व में स्थित पुलिस कर्नल बुटीपोंग सोमजाई के अनुसार माउंटेन वी नाइट क्लब में आग बीती रात करीब 1 बजे लगी। राजस्थान में एक बार फिर कोरोना का कहर देखने को मिल सकता है। प्रदेश के 33 जिलों में से 31 जिलों में कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। पाली और झुंझुनू को छोड़कर सभी जिलों में एक्टिव केस है। लगातार बढ़ रही संक्रमितों की संख्या एक बार फिर लोगों को परेशानी में डाल सकती है। बॉलीवुड की चुलबुली अभिनेत्री काजोल आज अपना 48वां जन्मदिन मना रही। 5 अगस्त 1974 को जन्मी काजोल पिछले 30 वर्षों से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और अपने अभिनय के बल पर एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रही।
राजा उदय प्रताप सुबह स्नान और पूजा के लिए भद्री हाउस गए थे। इस दौरान मौका पाकर प्रशासन ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। इसकी जानकारी होते ही बड़ी संख्या में लोग भद्री हाउस पहुंच गए। एससीएसटी एक्ट में मुआवजे का पैसा मिलने के बाद पीड़ित द्वारा अभियुक्त से सुलह कर लेने का उदाहरण प्रतिदिन इस कोर्ट के समक्ष आ रहा। इस प्रकार से मुआवजा बांट कर टैक्स देने वाले लोगों के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा। लखनऊ विश्वविद्यालय में 2 साल बाद राष्ट्र गौरव की परीक्षा का आयोजन शुक्रवार से किया जा रहा। शुक्रवार और शनिवार को विश्वविद्यालय और कॉलेजों में आयोजित परीक्षा में लगभग 50,000 विद्यार्थी शिरकत करेंगे। बीते कुछ दिनों में इंडस्ट्री के कई जाने माने कलाकारों को धमकियां मिल चुकी हैं। इसी बीच अब टेलीविजन के मशहूर अभिनेता करण बेहरा ने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि उनकी जान को खतरा है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।